नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 12 के मैथ का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारा प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अब जो है क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व होगा और वो भी अभ्यास पेपर सेट 12 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। हाँ भाई, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। दोस्तों, इससे पीछे से उसे पढ़े, उसमें था कि यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो संख्या क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए, किसी संख्या, तो मान लीजिए कि संख्या वह एक्स है, तो एक्स का मतलब गुना 40%, तो 40 अब परसेंट के लिए बट्टा में 100, 40% 20 है तो 20 निकाल लिख दीजिए। ठीक है, तो संख्या निकाल लीजिए, 10 से 10 4 से कट जाएगा, 4 5 20 एक 10 बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 10 5 50 हो जाएगा, संख्या आ गया 50। आपसे पूछा है कि संख्या का 25% बताइए, तो संख्या क्या है 50, 50 का 25%, तो 25% के बट्टा में 100, 50 × 100 और 2 से कटेगा 12.5 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x + 3 × x + 5 × x + 3 × x + 5 का गुणनफल बताया। गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, तो देखिए x से दोनों में गुना, फिर 3 से दोनों में गुना। ठीक है, तो x से x में गुना कीजिएगा तो x² + x से 5 में गुना कीजिएगा तो 5x + 3 से x में तो 3x + 3 × 5 से तो 3 × 5 = 15। हम चाहे तो एक केर में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो x² + 5 + 3 = 8x हो जाएगा, 8x + 15 यही आपका गुणनफल चला है। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, x² + 8x + 15 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 का घन क्या होगा। 8 का घन के मतलब क्यू, 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y² + y/2 − 3 = 0 हो तो y के मान बताइए। दोस्तों, माइनस 3 बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में प्लस में 3 हो गया। अब देखिए, भीम को जोड़ कर लीजिए तो 2 में y² से गुना कीजिएगा तो 2y² + y, और नीचा वाला दो जो है हम उधर भेज देते हैं गुना में। ठीक है, नीचा भाग में है तो हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान निकलना है तो यहाँ 2y² + y, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, वही दो घास समीकरण पर चला आया। तो यहाँ से आप ऑप्शन जो है और बाई ऑप्शन चलिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो दो घास समीकरण बना लीजिए। दो घास समीकरण कैसे बनाते हैं, ये दोनों गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 × 12 y² हो जाएगा। तो इसको 2y² रहने दीजिए, इस y को सोचिए, 12 को सोचिए, इसको दो ऐसा पार्ट में तोड़िए कि गुना जोड़ घटा करे तो y एक के y रह जाए और गुना करे तो 12y हो जाए। तो हम जानते हैं 12y करना है तो आप क्या कीजिए, 3 × 12 होता है, 3y और 3 × 4, पहले 4y लिखिए, 4y और 3y, 4 और 4 = 12 हो जाएगा, y² हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ एक ही बनाना है तो एक काम करते हैं, इसको प्लस में 4 कर देते हैं और माइनस में इसको 3 कर देते हैं, 4 y में से 3 y घट जाएगा तो 1 y बचेगा। ठीक है, आई −6 = 0। अब देखिए, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, y, और यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या लेंगे हम, इस 6 को प्लस में बनाना है तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, माइनस
तीन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, जब माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो ये तीन बाहर चला जाता है वाई बच गया, माइनस बाहर चला जाता है प्लस बच गया, यहाँ दो बच गया, ठीक है बराबर जीरो। अब देखिए दोनों समान हो गया कि नहीं, तो जो बाहर बगा रहा है उसको एक साथ लिख लीजिए, ये दोनों को एक साथ, नहीं तो ऐसे दोस्तों होता कैसे है कि अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं वाई प्लस दो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा टू वाई माइनस तीन, यही तो बचेगा बराबर जीरो। y के मान पूछा है तो y बराबर देखिए y माइनस y प्लस टू बराबर जीरो, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, और यहाँ से फिर टू वाई बराबर माइनस तीन हो जाएगा, तो प्लस में तीन हो जाएगा, y बराबर एक बट्टा तीन हो जाएगा, तो आपको y का वैल्यू तो चला आया माइनस दो और एक बट्टा तीन, यही आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन किस प्रकार का देख लीजिए, तो माइनस दो कॉमा एक बट्टा तीन है का ऑप्शन में देखिए तो नहीं है, ओ सॉरी एक बटा तीन है ना, तीन तो है ले, ये दो ना चला गया यहाँ दो ना, तीन बटा में दो देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं है, तीन बटा में दो है तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो या मेरी मोहब्बत का तौहीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, 35वां क्वेश्चन है कि 256 के पावर में 0.16 और फिर गुना है 256 के पावर 0.09 गुना 256 के पावर में 0.09, दोस्तों बेस समान है ना तो गुना में पावर जुड़ जाता है, यार सवाल क्वेश्चन है, तो 256 हम एक को लिखेंगे आई जुड़ जाएगा पावर जुड़ जाएगा, तो 16 कितना होता है 25.25 हो जाएगा, ठीक है दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 20 आएगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 100, 256 को हम लोग लिख सकते हैं 256 को इसको लिख सकते हैं दुख के पावर आठ लिख सकते हैं, ठीक है दुख के पावर आठ होता है 256 होता है पावर में 1/4, तो दोस्तों जब पावर पे पावर हो ना आप ब्रैकेट लगल हो तो पावर पे पावर गुना हो जाता है, ठीक है तो देखिए 4 से कट जाएगा दो बार में तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए बराबर 5 बी बराबर 6 तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बराबर 5 और बी बराबर 6 दिया है तो आपसे पूछ दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान पूछ दिया है। दोस्तों ये सब हम सिद्ध की करके बताए हुए हैं कि जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर घटाइएगा तो आता है फॉर्मूला होता है 4ab, ठीक है इतना बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ माइनस तो आता है फॉर्मूला होता है 4ab, ठीक है यदि डीपली आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर पढ़िए, ठीक है तो 4 × a का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू 6, तो 6×5 = 30 यानी 30 चौका 120 आपका आंसर जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18, 27, 45 का HCF बताएं, 18, 27, 45 का HCF, दोस्तों तो HCF के लिए बताए हुए हैं, HCF के लिए बताए हुए हैं कि सबसे छोटका संख्या को उठा लीजिएगा और देखिए कि सबको काट रहा है कि नहीं, तो इसमें सबसे छोटका कौन है 18 है, अब देखिए 18 सबको काट दे रहा है न काट रहा है, तो जब न काटेगा ना तो इसको दो पार्ट में तोड़िएगा, आपको जैसे मन है वैसे तोड़ लीजिएगा 2×9=18 ऐसे तो HCF एक निकलता है टूटने पर, इसको इसका HCF एक होगा आप जैसे तोड़ सकते हैं फिर मिलाना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद में बड़का संख्या देखिएगा सबको कर दे रहा है, देखिए तो 9×2=18, 29, 27, 29 पर कर दे रहा है इसलिए HCF 9 हो जाएगा, ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6/4 बराबर 3/n, तो n के मान पूछा है, ये भी आर एस आई वाला क्वेश्चन है, ठीक है देखिए 3×6 और 2×4 n, इधर 2 बचा बस n का वैल्यू 2 आ गया,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों सेट कब पढ़ा जाता है पता है, जब मैथ तैयारी रहता है ना तब सेट बनाने में मजा आता है। अंदर ऐसा नहीं कि सेट बनाना शुरू कर दिए आप 50 को मैथ में 48 को फंसिए जा रहा है तो सेट में मज़ा नहीं आएगा आपको। 2 को फंसेगा 48 को बन जाएगा तो मज़ा आएगा, लेकिन 48 को फंस जाएगा 2 को बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, मन में फीलिंग अच्छा नहीं होबे नहीं करेगा, आपको बनाने का मन नहीं करेगा। इसलिए पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिए उसके बाद में सेट बनाइए ना, बहुत मज़ा आएगा और सब समझ में आएगा भाई साहब। यदि चैप्टर पढ़े होंगे आप तो ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक बर का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बर का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा। दोस्तों बर का विकर्ण दिया है 10√2 सेंटीमीटर, आ होता कितना है, बर का विकर्ण दिया है इतना, आ होता है √2 × भुजा, होता है इतना दिया है इतना होता दिया बराबर। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, एक का वैल्यू चलाया 10 सेंटीमीटर, यानी कि जिस बर का विकर्ण का लंबाई दिया था उसका भुजा चलाया 10 सेंटीमीटर। आपसे परिमाप पूछा है भाई साहब, तो बर का भी परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, तो 4 भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 40 सेंटीमीटर परिमाप लेकर के चलाया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो या मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। चलिए 41 नंबर होगा, 40 नंबर होगा। x²+3x-10 में x का शून्य एक बताइए। दोस्तों दुई घात समीकरण के जैसे बना दीजिए, 10x² हो जाएगा, तो x² यहाँ इस 3x को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िए कि जोड़ घटाव करे तो 3x रह जाए, और गुणा करे तो 10x हो जाए। तो हम जानते हैं कि 5x 2x, 5 × 10 हो जाएगा, अब 5 में से 3 2 जाएगा 3 बचेगा और -10 है। अभी दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x+5 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x+5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए x+5 एक हो गया, एक हो गया x-2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x+5 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। आए हो जाएगा x-2 = 0, तो x-2 हो जाएगा तो +2, यानी x का वैल्यू जो आ गया -5 और 2 शून्य। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -5 और 2, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सब चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, बस आप सब वीडियो को देखते जाइए, बिना मेहनत किए हुए आपसे सेट नहीं बनेगा। और दोस्तों बिना मेहनत का नौकरी भी नहीं होता है, ये बात भी लिख लीजिए आप। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों विक्रय मूल्य पूछा है, 10 रुपये एक सामान्य है, 10% छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है तो 90% ले रहा होगा, 90% के लिए बट्टा में सौ 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 9 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 75 25 5 का LCM पूछा है, LCM। तो दोस्तों LCM बताने का ट्रिक हम बताए हुए हैं, ये 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5 = 15। अब देखिए इसमें 75 नहीं दिख रहा है, इसमें 15 दिख रहा है, 75 नहीं दिख रहा है, इसमें एक और 5 से गुणा कर देंगे तो 75 भी हो गया, 50 25 = 75 हो गया, 15 भी हो गया, इसमें 25 हो गया, इसमें देखिए 50 25 भी 25 भी हो गया, इसमें 5 भी इसमें है, बस यही हो गया LCM, 50 25 = 75, LCM 75 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आयतन बताएं। दोस्तों एक गोला है, गोला मतलब गेंद, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा है, आयतन मतलब इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो 4/3 और पाई का मान 22/7, आर की जगह लिखिएगा 7 × 7 × 7 r³ है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो समलो में आंसर है क्या, हाँ तो समलो में है,
चलिए 22 से 4 जाएगा 88, अगले 67 है 49, अब अट्टा में ये 3 है, ठीक है। 9 8 72 के 2, हाँसी 7, 9 8 72, 8 4 32, हाँसी 7, 7 2 9 2 11 के 1, 7 3 10 11, 111, 111 के 1 हासिल 11, 8 4 32 11 43, 43 अब अट्टा में 3, भाग दीजिए 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12, 1 1 पर 1 11, 3 3 9, 3 3 9 2 2 पर 2 3 21, 14 37 समथिंग है क्या कुछ, हाँ है 14 37.34 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आयतन निकल के चला गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सभी पढ़ा चुके हैं, राम सिंह यादव जी के बुक से ही पढ़ाए हुए हैं, आर एस अग्रवाल भी पढ़ाए हुए हैं, और भी बहुत सारे बुक हैं जिनका हमको नाम याद ही नहीं है, सब पढ़ा चुके हैं, किरण से भी पढ़ाए हुए हैं, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 0.09 और बट्टा भाग है, ठीक है, रूट अंडर 0.0004, 9 का वर्गमूल 3.2 अंक बाद है, बाहर 1 अंक बाद, भाई 1 अंक बाद पड़ेगा, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2.4 अंक बाद है, बाहर 2 अंक बाद पड़ेगा, ठीक है। दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में देखिए, नीचे में 2 अंक है, दशमलव के बाद ऊपर में 1 अंक है, तो 1 0 देख के अपना से बराबर कर दिए, ऊपर भी 2 अंक बाद हो गया, नीचे भी 2 अंक बाद हो गया, और दशमलव कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब बच गया 30/2 यानी कि 15 आपका आंसर हो गया, ठीक है, 15 ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.0224 गुने 100 को हल कीजिए, दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 को 0 हो गया, अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और क्या बच गया, 224/100 बच गया, 2 0 हटाइएगा, दशमलव 2 अंक पास साटिएगा, तो आपका 2.24 यही आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, 2.24 है, 2.24 ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अभ्यास पेपर सेट 12 का मैथ खत्म हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।